Jack. Gibbs, मेरे बगैर तुम जेल से भाग कर आ गए? तुमने मेरा नक्शा चुराया ना? ठीक है, चलो चलते हैं। ओले ले। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है जैक? हाथ क्यों मिला लिया बर्बोसा से? अरे एक लड़की का मामला है। लड़की? लड़की का मतलब समझते हो ना? कुछ समझा नहीं। अगर हसीना कहूँ तो समझोगे? तुम किसी लड़की को बचा रहे हो? पहली बार नेक काम कर रहे हो। हाँ, कुछ साल पहले की बात है, हम दोनों थे राजी, फिर मैं बन गया पाजी। बेचारा क्या करता काजी? आगे बोलो। गिव्स, ये हसीना दरअसल स्पेन से है। पहले प्यार के वादे किए, फिर उसका दिल तोड़ दिया। बहुत बुरा हुआ। मेरे दिल में शायद थोड़ी देर के लिए सिर्फ हलचल हुई थी। हलचल? वहां देखो, वहां वो उनका सरदार है, उसका तंबू ठीक से देख लो, क्योंकि वही नहीं, रुको, शाही प्याले तो वही है। आपकी तलवार से गंदी बू आ रही है। हाँ, जहरीले मेंढक की अंतड़ियों के खून से सनी है एक खरौंच, और आदमी पलक झपकते ऊपर। जरा तलवार की मुंडी उधर घुमाओगे? मुझे मेंढक पसंद नहीं है। फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, इन्हीं के इलाके में यही करेंगे। भागने का कोई तो तरीका सोचा होगा तुमने। यही मौका है तुम्हें अपना हुनर दिखाने का। हाँ, हुनर तुम्हें दिखाई दूंगा, पहले अपना एक हाथ तो छुड़ा लूं। ओ, तुम चाकू लेकर आए हो, क्या बात है। उससे भी अच्छा। थोड़ा सा मुझे भी दो ना। ये जाम बदले के नाम, खुलेगी तकदीर। बदला? अब घुमाओ हाथ। तुम सही प्याले खोज ही नहीं रहे थे, जानते हो छूमंतर हो चुके हैं। तुम इंतजार कर रहे थे उस शैतान ब्लैक बियर्ड का। अच्छा, शहंशाह जॉर्ज का मुलाजिम, ये नकली बाल, ये नौटंकी अंदाज, किसे उल्लू बना रहे हो? तुम उस रात वहां नहीं थे जब पर्ल जहाज खो गया था। खोया नहीं, छीन लिया। हम स्पेन के करीब थे जब हम पर हमला हुआ। ना किसी ने उकसाया, ना किसी ने चेतावनी दी, ना कोई सुलह का मौका। तोप के गोलों से भून दिया हमारे जहाज को, और फिर पर्ल जहाज के नीचे समुद्र गरजने लगा। ऊपर नीचे आगे पीछे हमारा जहाज हर तरफ से बेकाबू हो गया था। हर मस्तूल तख्ता और लोहे की छड़ें खड़खड़ाने लगी, हर रस्सी जैसे सांप बन गई। हमारा अपना जहाज ही हमारा दुश्मन बन गया। हमारे हर आदमी को रस्सियां सांप की तरह जकड़ने लगी, और मेरे पांव को भी। लेकिन मेरी बाहें आजाद थी और मेरे हाथ में तलवार थी। मैं अपने जहाज का मालिक था, ना कि ब्लैक बियर्ड। मैं खुद अपनी तकदीर का मालिक था, ना कि ब्लैक बियर्ड। इसलिए वही किया जो करना चाहिए था। मैं बच गया। मतलब तुम मृत्युंजय अमृत के पीछे नहीं हो? ना मुझे राजा महाराजा की परवाह, ना अमृत की कहानियों की जो मेरे कटे पांव के घाव पर मरहम लगाए। ब्लैक बियर्ड को खत्म करने के लिए अपनी बाहें भी कुर्बान कर दूंगा। दोनों बाहें? अपनी जहरीली तलवार उसके दिल में घुसाने के बाद बाहें जली भी गई तो कोई गिला नहीं। वो मौका मैं तुम्हें दिलाऊंगा दोस्त।
हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। हमें जल्द ही ढूंढ लेगा। प्याले बाद में तलाश लेंगे जैक, पर मुझे किसी से मिलना है। मैं वापस नहीं आऊंगा। प्याले यार, एक एक जाम हो जाए। अब तो अमृत का ही जाम पियेंगे।